एवा विषय योजना अंतर्गत काम करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने शासकीय राज्य सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा, अपनी पगार और अन्य जरूरी जरूरतों के लिए धरना प्रदर्शन किया। सेवानिवृत्त होने के उपरांत मिलने वाले पेंशन को 50% वृद्धि करके राज्य सरकार द्वारा जल्द से जल्द इस कानून को पारित किया जाए। बता दें, आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं की मांग है कि राज्य सरकार की तरफ से मोबाइल साथ ही रिचार्ज का भी पैसा दिया जाए। उनका कहना है कि उन्हें स्वयं का मोबाइल उपयोग करने के लिए बाध्य न किया जाए। वह अपने निजी कार्य के लिए मोबाइल एवं रिचार्ज की मांग बिल्कुल नहीं कर रही। सेवानिवृत्त के समय उनके वेतन को 50% वृद्धि करके दिया जाए, जिससे उन्हें बुढ़ापे में किसी पर आश्रित न होना पड़े। खाली पड़े स्थानों को भी भरने की गुजारिश की। महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एम ए पाटिल ने पत्रकारों से कहा, इन सभी मांगों को लेकर इसके पहले भी हम आजाद मैदान में राज्य के 20,000 आंगनवाड़ी महिला कर्मचारियों को लेकर आंदोलन किया। उस समय महिला व बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने 8 दिन के भीतर ही उनकी सभी मांगों को मान्य करने का आश्वासन देकर उनका धरना प्रदर्शन खत्म किया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज 1 महीना हो गया, परिस्थिति जस की तस, उनकी कोई भी मांगों पर अमल नहीं किया गया। इसलिए राज्य के हर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आंदोलन करने का निर्णय लिया गया, जिसके उपरांत महासचिव ब्रजपाल सिंह की अगुवाई में जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने ताली कीर्तन कर राज्य सरकार के मनमानी व्यवहार कार्य पर अपना रोष दिखाए। शिंदे फडणवीस सरकार को ताली कीर्तन के जरिए चेतावनी दी गई। अपने देश में 24 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स मदद की, महाराष्ट्र में 1 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स और मदद की। आंगनवाड़ी वर्कर्स को अभी जो पेमेंट मिलता है वो 8,500 उनके मदद में 4,000 जीने के लिए इतना आवश्यक इतना पैसा इसके बावजूद आपकी सवाल है। जैसे आंगनवाड़ी केंद्र अच्छा मिल रहा है, जैसे जो पालक है उनको खाने को ठीक से मिलना चाहिए, अभी 8 रुपये दे, 8 रुपये में क्या खा रहे कुछ भी नहीं, वो तो 8 रुपये में 2 बार देना, तो ये सब मजा कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए आर्थिक संतुलन नहीं की जाए और वो सवाल केंद्र सरकार से चालू है। मोदी सरकार आने के बाद ये जो आर्थिक संतुलन महिला बाल खाते के लिए या एकांतिक बाल विकास खाते के लिए जो आर्थिक संतुलन बढ़ना चाहिए, इंक्रीमेंटली बढ़ना चाहिए, हर बदल तो इंक्रीमेंटली हो कम बढ़ता है। तो ये सवाल जो है एक तरीके की चर्चा को ये लोगों के बीच करते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी करते उसका जैसे बच्चों को जो सेवी काम को इतने लोगों ने बहुत नाराज किया, प्रक्षोभ है इस तरीके से डेमोनिफिकेशन करते हैं। ये पूरा जो आंगनवाड़ी का आंदोलन हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 27 जुलाई को नागपुर में महाराष्ट्र में कम से कम 50,000 निकालेंगे और भारत सरकार को अपनी ताकत दिखाएंगे। उतने में भी भारत सरकार अगर नहीं होती है तो 3 जनवरी को सावित्री बाई फुले की जयंती है, उस दिन मंत्रालय के सामने आजाद मैदान में आंगनवाड़ी करते हजारों आंगनवाड़ी कर्मचारी चाल बदल करेगी और
भगवान से प्रार्थना करेगी यह सरकार को मुक्ति दे सर, जो हमारे को न्याय दे इसके लिए, और जरूरत पड़ी तो आंगनबाड़ी कर्मचारी संपर्क में भी दे। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सॅन सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।